जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज जब मैं अपनी मेल्स चेक कर रहा था तो उसमें ज़्यादातर क्वेरी इस चीज़ की थी कि शादी को कैसे रोका जाए। गुरुजी, मेरे बॉयफ्रेंड की शादी हो रही है, उसको रोकने के उपाय बताएं। और कईयों में तो कुछ ही दिन बचे थे, एक हफ्ता मुश्किल से, तो ऐसे में शादी रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसमें षटकर्म में हमारे पास तीन ऑप्शन होती है, मारण, उच्चाटन और स्तंभन। इन तीन चीज़ों से हम शादी रोक सकते हैं। अगर शादी रोकने में बहुत ही अड़चन आ रही हो तो ही इसको किया जाए तो बेहतर है। मैं तो कहूँगा कि ये जो प्रयोग हैं शादी रोकने वाले, ये करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाले को अगर कोई फीलिंग्स नहीं है लेकिन फिर भी आप लगे हुए हो उसके पीछे, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। उसे जहाँ जाना है जाने दीजिए, और विदेशन, उच्चाटन और मारण, इन चीज़ों का प्रयोग कभी ना करें। लेकिन फिर भी अगर आपके दिल में प्यार उमड़ रहा है और आप उसके बिना ना जी पा रहे हो, कुछ ऐसा सा अगर आपके साथ हो रहा है कि जो कुछ है वही है, उसके सिवा कोई नहीं है, तो ही इस चीज़ को यूज़ कीजिएगा। आपको बस करना इतना है कि जिनकी शादी हो रही है उन दोनों की फ़ोटो, एक नींबू, कुछ ततैये के पंख और लाल कपड़ा, ये सारी चीज़ें एक हांडी में रख दीजिए और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिए, काले धागे से उसको बांध कर चौराहे पे रखाइए। तो जिस भी व्यक्ति की शादी होने वाली होगी और जिसकी फोटो उसके अंदर होगी, उसकी शादी, उन दोनों के बीच में शादी कभी नहीं हो पाएगी। तो ये आजमाया हुआ प्रोसेस है, आप इसको कीजिए, और अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो मुझे कॉल कीजिएगा, 999-284-1625। धन्यवाद।